हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र, वेलकम टू सोनल्स फूड वर्ल्ड। आज हम बनाएंगे कपड़े का साबुन। कैसे बनाना चलिए देखते हैं। उसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी बेसन, जिसे 2 लीटर पानी हमने लिया है। इसके लिए उसी में से हम इस पानी को डालेंगे और इसे कोई भी लम्स बिना लम्स के इसका एक बैटर की तरह बना लेंगे। और अब हम एक प्लास्टिक टब में या कोई भी बकेट में, प्लास्टिक में 2 लीटर बामाइल ले रहे हैं। और इसे बनाते वक्त बच्चों को पास में नहीं रख लेना है, बच्चों को दूर ही रखिएगा इससे। और इसके अंदर अब मैं डालूँगी 750 ग्राम्स कास्टिक सोडा और इसे अच्छे से हिलाते रहना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 लीटर पानी, ये देखिए। और नीचे से पानी डालिएगा, ज़्यादा ऊपर से मत डालिएगा। और बनाते वक्त फेस को थोड़ा सा दूर रखिएगा, कोई 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 स्मेल पसंद नहीं होती है। और इसे अच्छे से हिलाते रहना है। और अब इसके अंदर जो बेसन का बैटर बनाए थे उसे ऐड करेंगे, उसे भी अच्छे से हिलाते रहना है। सारे इंग्रेडिएंट्स 1 बाय 1 डाल देना है हमें। अब मैं सर्फ एक्सल डाल रही हूँ, आप चाहे तो एरियल भी डाल सकते हो, कोई भी ले डाल सकते हो, कोई भी सर्फ आपके पास जो अवेलेबल है वो ले सकते हो। और फिर इसके अंदर मैं नींबू का रस ऐड कर रही हूँ, 6 नींबू का रस है। इससे वाइट कपड़े बहुत साफ धुपते हैं, कलर कपड़े भी इससे धो सकते हैं आप। और इसे करीबन आधे घंटे से 40 मिनट तक हमें हिलाते रहना है, जब तक ये थोड़ा तिक ना हो जाए। ये तिक होते ही हमें इसे रेस्ट होने के लिए 6 से 8 घंटे के लिए रख देंगे अलग कहीं पे। और ये देखिए अब रेडी हो गया है। अगर आप चाहिए तो इसे धूप में भी रख सकते हो सुखाने के लिए, टाइट होने के बाद। और चाहिए तो आप कट करके भी धूप में रख सकते हो, लेकिन मैं इसे ऐसे ही यूज़ करूँगी।